तो अभी और सजाया जा रहा है इन्हें फूलों से, तो ये फूल से सजा रही है। और ये देखो अभी इनके पानी भी आ चुका है, ये पानी का घर। चलो कृष्ण खाना खाने चलोगे? अभी थोड़ी देर में चलेंगे। नहीं अभी चलो, भूख नहीं लगी है? नहीं नहीं लगी है? तो तुझे अच्छा लगता है उसके साथ खेलना? हेलो गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप लोग, सभी को राम राम। तो सब मस्त होगे। तो आज है गोवर्धन पूजा, तो सभी को गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान श्री कृष्ण सब पे अपनी कृपा बरसाए रखे। और बहुत लोगों को पता नहीं होगा गोवर्धन क्यों मनाया जाता है, तो मैं बता दूं गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है। क्योंकि एक समय की बात है जब इंद्र ने घनघोर वर्षा करवा दिए थे मथुरा वृंदावन गोकुल में, तो लोगों ने भगवान कृष्ण से आग्रह किया कि उन्हें बचाए, तो भगवान ने अपनी एक उंगली पे पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा दिया था। उसके नीचे आके लोगों ने आश्रय लिया था, उसके बाद उनकी जान बची थी। जब ही से गोवर्धन पूजा मनाया जाता था और इंद्र की घमंड तोड़ा था भगवान श्री कृष्ण ने, और उसी दिन से हम गोवर्धन। तो अब आ गए हैं मंदिर और फटाफट करते हैं फटाफट से मंदिर की सफाई, और भगवान जी को स्नान करवाएंगे, माला उतारेंगे और जोत बाती धोएंगे। इसके बाद जाएंगे, आज थोड़ा सामान भी लाने हैं, कई दिन हो गए दुकान पे, तो कस्टमर तो सब घर गए हुए थे, लेकिन अब सब धीरे धीरे आ रहे हैं। और जाके फिर आज गोवर्धन पूजा है, तो देखेंगे गोवर्धन कैसा बना है या नहीं बना है तो बनाएंगे, और शायद बना दिया होगा तो जाते हैं दिखाएंगे आपको गोवर्धन महाराज को। तो यहाँ पे हमारे इधर बनता है गोवर्धन गाय के गोबर का, तो पूरा गोवर्धन का पूरी आकृति बनती है। तो दोस्तों यहाँ बन रहा है गोवर्धन, गोवर्धन की प्रतिमा बन रही है। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको गोवर्धन कितना कैसा बना है हमारा सुंदर सा गोवर्धन। तो देखो ये गोवर्धन महाराज विराजमान हो चुके हैं यहाँ पे, और बच्चे खेल रहे हैं। ये है गोवर्धन, ये गोवर्धन भगवान है। तो देखिए गोवर्धन, तो ये गोवर्धन बन चुका है हमारा, और इसका पूजन होगा शाम को। तो ये गोवर्धन को पूजा होता है। और ये देखो ये दो लकड़ी है, यहाँ पे दो इनके जो वो होते हैं, तो इस पे दोनों पे एक पे चुन्नी एक पे कपड़े लगाए जाएंगे, और यहाँ दूध रखा जाएगा, और यहाँ घर के जो वो होते हैं जिससे दही वही निकालते हैं मशीन, वो भी रखी जाती है इस पे। और इसके बगल में ही और भी कई सारे सामान रखे जाते हैं यहाँ पे पूजने के लिए, और फिर मिठाई विठाई से भी पूजे जाते हैं, पूरे से पूजे जाते हैं। देखो आप लोग ये है गोवर्धन, और जो हमने बनवाया है मतलब हमारे भैया ने बनाया है बड़े वाले ने, तो उन्होंने वही बनाते हर साल क्योंकि उनको आता है बनाने। तो ये है गोवर्धन महाराज, जो कि ये भगवान श्री कृष्ण का एक स्वरूप है, जो भगवान कृष्ण को ही पूजा जाता है, इनके रूप में पूजा जाता है गोवर्धन पर्वत के रूप में। तो ये इनकी प्रतिमा बनाई जाती है, और इनसे प्रार्थना किया जाता है, और इनको सम्मान दिया जाता है। और ये सब हमारे जिसके घर में गाय भैंस रहते हैं और जो भी जानवर रहता है वो करता है, और जिसके नहीं रहते वो भी खुशी से करते हैं। लोग बाग गोबर खरीद के भी करते हैं, बनवाते हैं, शौक से पूजा करवाते हैं, क्योंकि बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये हमारा गोवर्धन, तो गोवर्धन यही बनाए हैं, ये हमारे भैया जी जो गोवर्धन बनाते हैं, और दक्षिणा भी मांगते हैं मोटे दक्षिणा। अभी बोलेंगे 251 रुपये देते हैं, अभी बोलेंगे, अभी बोलेंगे 1100 रुपये दक्षिणा लाओ बनाने का, बताओ। लेकिन ये बनाते हैं, इनको बनाने आता, हमें बनाने नहीं आता है, सजा रहे हैं। तो अभी कपड़े लेने जा रहा हूँ इनके, अभी बन गए हैं, लेकिन अभी ये थोड़े से और सजेंगे, इनमें भी कपड़े पहनाया जाएगा। तो अभी कपड़े वगैरह नहीं डला है इस पर, थोड़े बहुत कपड़े पानी वानी सब कुछ रखेंगे, पहनेंगे नहीं उस पर, लगते हैं कपड़े चुन्नी और कपड़े लगते हैं उस पर, ग्वालिया और ग्वालिया और ग्वाला खड़े हो गए ना। तो इन्होंने बताया ये जो दो है ना इस पे कपड़े पहना जाएगा, इनको भोजन दिया जाएगा, ये ग्वाला ग्वालिया है ये दोनों हैं, और ये जा रहे हैं। तो अब ये जा रहे हैं कपड़े लेने और इनके लिए, तो और कुछ सामान लाने जो और थोड़े से सजाएंगे। तो हो गया गोवर्धन, तो चलते हैं। अभी और सजाया जा रहा है गोवर्धन महाराज को, तो अभी फूल लग, तो अभी और सजाया जा रहा है इन्हें फूलों से, तो ये फूल से सजा रही है। और ये देखो अभी इनके पानी भी आ चुका है, ये पानी का घड़ा आ चुका है, और इन पे अभी कपड़े आना बाकी है, तो अब और सुंदर लगेंगे फूल, फूल लगा के तो और सुंदर लगेंगे। जय हो गोवर्धन भगवान।
तो यहाँ तो बन चुका है गोवर्धन। अब जा रहे हैं, पहले हम खाना खाएंगे, तो शाम को ये पूजेगा गोवर्धन। तो ये ऋषभ है, ऋषभ खेल रहा है अभी यहाँ पे, और अभी अनुष्का है, अनुष्का भी खेल रही है। तो अब इसको हम घर लेके जा रहे हैं, क्योंकि अब खाने खाने का समय हो गया, लंच हो गया है, तो 2:30 बज चुका है। तो चलो ऋषभ, खाना खाने चलोगे? अभी थोड़ी देर में चलेंगे। नहीं अभी चलो, भूख नहीं लगी है? नहीं लगी है। तो तुझे अच्छा लगता है अनुष्का के साथ खेलना? हैं, तो भी ये कह रहा अभी थोड़ी देर में जाऊंगा, तो इसको खेलने दो। तो गोवर्धन, गोवर्धन पूजा बन गया, और ये ऋषभ की मम्मी भी आ गई है ऋषभ को लेने, और ऋषभ तो मना करा जाने से, और तो हम चल रहे हैं। हाँ यही बना है, तो चल रहे हैं। अब जोत का समय हो गया, अब जोत जला के आते हैं, मंदिर आ गए हैं। और अमन को हम बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, ये देखो अमन को हम बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, ये तो ऊपर सीढ़ी पे चढ़ के और खेल रहा है बंदूक लेके। हे भगवान, गिर जाओगे, उतरो नीचे। ऋषभ, अमन को हम इतने देर से ढूंढ रहे थे, देख कहाँ चढ़ा हुआ है, ऊपर देख। भाई गिरेगा नहीं तू? अरे गिरेगा नहीं तू? ना। पटक दूँ, यहीं से धक्का मार दूँ, टूटेगा। यार देखिए, देख रहे हो ये जो पटाखे गिरे, गोवर्धन के पूजा हो रही है, उसमें बजाए जा रहे पटाखे। देखो हम जा, अभी हम करने वाले हैं गोवर्धन की पूजा, अभी देखोगे आप। हेलो गाइस, तो अभी होने वाला है गोवर्धन का पूजा, तो लोग आने वाले हैं अभी, और मैं थाली तैयार हो गया है पूजे का, और ये आ चुका है, और अभी आने वाले हैं लोग, तो अभी बाहर कर रहे हैं दूसरे में, तो अभी सभी आ रहे हैं। तो अभी गोवर्धन का होगा पूजा, तो अभी मैं दिखाऊँगा आपको गोवर्धन का पूजा होता है। और थाली में ये सारे प्रसाद आ चुका है, और ये थाली सज चुकी है, और ये है खिलबत्ता से, और ये है क्या, चंदन रोली, सब टीका सब है। तो अब आने वाले हैं सब, अभी पूज के जाएंगे गोवर्धन को, फिर दिखाएंगे आपको। तो चलते हैं, बैग बैग जो भी बैग पापा के पास है, हमारे पास पूरा काम खड़ा है। नहीं अंदर बता दी बैग तो, और आपको तो पूरी पता है, फिर भी तू चले। वो चाचे धनी राम बेटा, दो हैं, जल्दी जल्दी खड़े कर दे। और रहेगा क्या? और रहेगा क्या? अभी बोरी आई, बोरी ग्रे कलर की बॉक्स पे कुछ बचा हो नहीं ये वार्ड में ना ठीक है जी आ ले बैठो आ जाओ ले जा आओगे पहले ये टीका लगा दे अन्ना जी दिया गांव का आपको मिल दियो कितना ले जा बोल ना कर ले जा नहीं ये देखो, ये जश्न बनता हुआ, जश्न मनाता है, देखो फायर फायर कर रहा है, कुछ भी कर रहा भाई।